नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। खासकर कोरोना काल में उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों के कारण इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर उसे जल्द से जल्द रफ्तार देने की चुनौती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना प्रभाव से बाहर आकर पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन की टारगेट को हासिल कर सके। इस राह में वित्त मंत्री के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, आइए समझते हैं। पहला है खपत को बढ़ावा देना। इकोनॉमी में सबसे पहले खपत को बढ़ावा देना होगा, चूंकि मार्केट में डिमांड की जरूरत है। इसके लिए लोगों को इस बात के लिए उत्साहित करना होगा कि वे बाजार में खर्च करें। हालांकि पिछले 3 महीने में GST के ज़्यादा कलेक्शन से यही संकेत मिल रहे हैं कि खपत में इजाफा हुआ है। वैसे संभावना है कि सरकार लोगों के बीच खपत बढ़ाने के लिए कुछ और रियायतों की घोषणा कर सकती है, जिससे लघु और मध्यम अवधि में इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिल सकती है। दूसरा, रोजगार सृजन। विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर ज़्यादा खर्च करें। 2021 में उम्मीद है कि बड़ी कंपनियां और लोगों को रोजगार देंगी, लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के कई कारोबार अभी भी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और उनके लिए रोजगार पैदा करना मुमकिन नहीं लग रहा है, जब तक कि उन्हें सरकार से मदद ना मिले। ऐसे में वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वो केंद्रीय बजट 2021 में ऐसे कदम उठाएंगी कि रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा हों। तीसरा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। सरकार को ऐसे सेक्टर में निवेश पर फोकस करना होगा जो देश के विकास के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट की राय है कि सरकार को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़ाना चाहिए, जिससे आखिरकार और ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्व RBI गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भी सरकार से कहा है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़ाए, जिसके बाद राजस्व चक्र को तय करने, रोजगार पैदा करने और निजी निवेश में सहायता मिलेगी। चौथा, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। कोरोना से जंग में पूरे सिस्टम ने कई सबक सीखे हैं। हेल्थ की चुनौतियाँ आगे भी कम नहीं होंगी, ये मानकर प्लान तैयार करना होगा। तीसरी बात यह है कि देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है, तो डिफेंस मजबूत करने के लिए रक्षा तैयारियों के लिए भी पैसे की कमी नहीं होने देना होगा। विशेषज्ञ चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में और कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा वो स्वास्थ्य और चिकित्सा खर्चों पर लगने वाले टैक्स को भी ज़्यादा तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं। पाँचवा, राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाना। सरकार को अपने राजकोषीय स्थिति पर कंट्रोल रखना होगा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर GDP का 7.5% तक पहुंच सकता है। ये वर्तमान अनुमान का दोगुना है। ऐसे में सरकार को चतुराई से फैसले लेने होंगे, जिसमें टैक्स पेयर्स को राहत का भी एहसास हो, खर्च में तेजी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड बढ़े और राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।